हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं ओए पांडे जी। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि गूगल एडसेंस के होस्टेड अकाउंट को कैसे हम नॉन होस्टेड अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी फुली अप्रूव्ड अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि एडसेंस के होस्टेड और नॉन होस्टेड अकाउंट में क्या डिफरेंस है, एडसेंस के नॉन होस्टेड अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और आप कैसे एक होस्टेड अकाउंट को नॉन होस्टेड अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जनरली गूगल एडसेंस अकाउंट दो तरह के होते हैं। एक होता है एडसेंस फॉर होस्टेड कंटेंट, यानी जिसे होस्टेड अकाउंट कहा जाता है, और एक होता है एडसेंस फॉर कंटेंट, यानी जिसे फुली अप्रूव्ड अकाउंट कहा जाता है या फिर नॉन होस्टेड अकाउंट कहा जाता है। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है या फिर ब्लॉगर पे कोई ब्लॉग है और आपने इसे एडसेंस से मोनिटाइज किया है, तो उस एडसेंस अकाउंट को होस्टेड अकाउंट कहा जाता है। लेकिन अगर आप गूगल के प्रोडक्ट यानी YouTube, ब्लॉगर या फिर एडमोब को छोड़कर किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए, यानी वर्डप्रेस, जुमला, विक्स या फिर इवन अगर आप ब्लॉगर पे भी एक कस्टम डोमेन लेके कोई वेबसाइट या फिर ब्लॉग बनाकर उसे एडसेंस से अप्रूव कराकर उसे मोनिटाइज करते हैं, तो उस अकाउंट को नॉन होस्टेड अकाउंट या फिर एडसेंस फॉर कॉन्टेंट कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एडसेंस नॉन होस्टेड अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नॉन होस्टेड अकाउंट से आपका सीपीसी बढ़ जाएगा, आरपीएम बढ़ जाएगा या फिर आपके एडसेंस अकाउंट का पे आउट का लिमिट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एडसेंस नॉन होस्टेड अकाउंट के आपको सिर्फ दो बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे जो पहला बेनिफिट है वो है रेवेन्यू शेयर का। अगर आपके पास कोई एक नॉन होस्टेड अकाउंट या फिर फुली अप्रूव्ड अकाउंट है, उसमें जो रेवेन्यू शेयर होता है वो पब्लिशर के लिए होता है 68% और गूगल अपने पास रखता है 32%। वहीं पे अगर आपका कोई होस्टेड अकाउंट है, उसमें जो रेवेन्यू शेयर होता है वो पब्लिशर को मिलता है 55% और गूगल अपने पास रखता है 45%। यानी जो नॉन होस्टेड अकाउंट होता है उसमें आपका इनकम जो होता है वो ज्यादा होता है होस्टेड अकाउंट के मुकाबले। इसका जो दूसरा बेनिफिट होता है, अगर एक बार आपने एडसेंस अकाउंट को फुली अप्रूव्ड कर लिया है, तो आप किसी भी वेबसाइट या फिर ब्लॉग में एडसेंस का ऐड डाल के पैसे कमा सकते हैं। यानी मान लीजिए कि अगर आपके पास 10 वेबसाइट या फिर ब्लॉग है और आप उनमें से किसी एक भी ब्लॉग या फिर वेबसाइट को एडसेंस से अप्रूव करा लेते हैं, तो फिर आपको बाकी के जो 9 ब्लॉग्स या फिर वेबसाइट है उन्हें एडसेंस अप्रूव कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसी एडसेंस अकाउंट का ऐड इन 9 वेबसाइट में भी डाल के उसे मोनिटाइज कर सकते हैं। लेकिन एक ब्लॉग या फिर वेबसाइट को एडसेंस से अप्रूव कराना इतना आसान नहीं है। इसके लिए एडसेंस के बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, जिसे फॉलो करने के बाद ही आपका ब्लॉग या फिर वेबसाइट एडसेंस अप्रूव हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, तभी मैं एक दूसरा वीडियो लाऊंगा कि कैसे आप अपने ब्लॉग को एडसेंस से अप्रूव करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे आप अपने होस्टेड अकाउंट को नॉन होस्टेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा होस्टेड अकाउंट है एडसेंस का, जिससे कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल लिंक किया है। तो इसे नॉन होस्टेड में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो ब्लॉग या फिर वेबसाइट है उसे आपको एडसेंस से अप्रूव कराना होता है। तो ये अप्रूवल कैसे करते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा माय एड्स पे, और यहां पे आपको जाना होगा अदर प्रोडक्ट्स पे। अब यहां पे आपको जो बॉक्स दिख रहा है वहां पे आप अपने ब्लॉग का यूआरएल एंटर कर लीजिए और यहां से सबमिट पर क्लिक कर लीजिए। अब आपको यहां पे जो HTML का कोड दिख रहा है, इस कोड को आपको यहां से कॉपी करना है और अब चलना है अपने ब्लॉगर पर। यहां से आप थीम में जाइए, एडिट HTML पे क्लिक कीजिए और यहां पे आपको जो HTML का कोड दिख रहा है, यहां पे जो आपको हेडर का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर लीजिए और एक एंटर दबा के आपने जो कॉपी किया था कोड उसे पेस्ट कर लीजिए। यहां आपने जो पेस्ट किया है कोड उसमें कुछ आपको चेंजेस करना होगा। यहां पे जो एसिंक लिखा है उसके बाद आपको इक्वल टू देना है और सिंगल इन्वर्टेड के अंदर लिखना है एसिंक, और ये चेंजेस कर लेने के बाद आपको सेव थीम पर क्लिक करना है। अब हम फिर से चलते हैं अपने एडसेंस अकाउंट पर
और उस जो कोड हमने कॉपी किया था उसके नीचे जो चेक बॉक्स दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर डन पर क्लिक कर लीजिए। अब आपका जो ब्लॉग है वो रिव्यू के लिए सबमिट हो चुका है और 3 दिन के अंदर एडसेंस आपके ब्लॉग या फिर वेबसाइट को रिव्यू करने के बाद आपको एक मेल आएगा कि आपका जो ब्लॉग है वो एडसेंस के लिए अप्रूव हो चुका है। अगर आपका ब्लॉग अप्रूव हो जाता है तो आपका जो एडसेंस अकाउंट होगा वो फुल्ली अप्रूव्ड अकाउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ब्लॉग यहाँ से अप्रूव नहीं होता है तो आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करके फिर से इसे अप्रूवल के लिए सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए।